सब्सक्राइब। वक्त हर पल नई कहानियाँ लिख रहा है, ऐसी कहानियाँ जो आने वाले समय के लिए मशाल का काम करेगी। ऐसी ही कहानियों नए समय के किरदार गढ़ेगी, उन्हें हिम्मत देंगी और आगे बढ़ते रहने का मकसद सुझाएंगी। ये जड़ें अपने आप नहीं जमती, इन्हें जमाते हैं कुछ ऐसे जुनूनी लोग जिन्हें भरोसा होता है खुद पर कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। ये अपने आसपास की दुनिया को पहले से खूबसूरत बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। ऐसे लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वे अपनी जिंदगी ऐसे जिए कि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। अपने पीछे वे छोड़ जाते हैं बहुत सारी यादें और कहानियाँ जो भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बन जाती हैं। दरअसल उनकी पूरी जिंदगी, हर एक उपलब्धि, यहाँ तक कि उनकी असफलताएं भी सीख देती हैं। उनकी संघर्ष की कहानियाँ जहाँ हमें निरंतर जूझने की ऊर्जा देती हैं, वही उनकी सफलताएं एक दिन जीत जाने का विश्वास। ऐसी ही एक कहानी है विश्वनाथ लाहिरी की, जिन्हें B.N. लाहिरी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये अंग्रेजी शासन काल के उन आला भारतीय अधिकारियों में से थे जिनके सुदृढ़ हाथों में नए नए स्वतंत्र हुए भारत की बदलती व्यवस्था ने आकार पाया था। लाहिरी ने पुलिस सेवा की कठिनतम परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए 1923 में पहली नियुक्ति पाई। वे भारत के सबसे बड़े प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस, वर्तमान उत्तर प्रदेश, के प्रथम भारतीय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त हुए। उस समय आज की तरह उच्च पदों पर न तो इतने अधिकारियों की भरमार हुआ करती थी, न जरूरत ही समझी जाती थी। पुलिस की कार्य प्रणालियाँ, कार्यभार बांटने की व्यवस्था, कार्य करने के तौर तरीके सब भिन्न थे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन प्रणाली और कानून व्यवस्था की नींव रखने वाले B.N. लाहिरी ही थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत ने भी अनेक अवसरों पर लाहिरी साहब की प्रतिभा, उनकी कार्य कुशलता और उनके समर्पण को सराहा था। अब सवाल उठना लाजिमी है कि आखिरकार उनमें ऐसी क्या खूबी थी जिसने उन्हें अपने समकालीन अधिकारियों से पृथक और विशिष्ट बनाकर भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं के इतिहास में अमर कर दिया। तो जवाब है उनकी सीखने की कभी न खत्म होने वाली भूख। हर अधिकारी अपने कार्यकाल में न जाने कितने ही लोगों से मिलता है, उनकी फरियादें सुनता है, कुछ का निवारण कर पाता तो कुछ का जवाब उसके पास भी नहीं होता। आखिरकार हर अधिकारी होता तो इंसान ही है, गलतियां उससे भी होती हैं। पर सवाल यह है कि वो उन गलतियों पर पर्दा डालने में ज्यादा विश्वास रखता है या फिर उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने में। बेशक लाहिरी साहब दूसरे किस्म के इंसान थे। घटना 1934 की है। वे फर्रुखाबाद में SP के पद पर नियुक्त थे। वहां देवोत्थान एकादशी के दिन जुआ खेलने का चलन था। माना जाता था कि उस तिथि पर जुआ खेलना आने वाले साल के लिए अच्छा भाग्य लेकर आएगा, लेकिन जुआ खेलना गैर कानूनी था और इसी सिलसिले में वहां का कोतवाल मोहम्मद अयूब लाहिरी साहब के पास पहुंचा। अयूब हस्ताक्षर करवाने के लिए अपने साथ कुछ वारंट भी लाया था। वारंट सादे थे, यहाँ तक कि जहाँ छापा मारा जाना था उन घरों की चौहद्दी तक की जानकारी उनमें नहीं भरी गई थी। लाहिरी साहब को यह बात अटपटी लगी। उन्होंने अयूब से इस बारे में सवाल भी किया। अयूब का जवाब था, जुआ खेलने वाले अपने ठिकाने गुप्त रखते हैं, ठिकानों का जैसे जैसे पता चलता जाएगा मैं उन्हें भरता चला जाऊंगा। लाहिरी साहब कोतवाल की कुटिलता समझ न सके। उन्होंने उस पर भरोसा करते हुए सादे वारंट पर दस्तखत कर दिए। निर्धारित दिन धरपकड़ भी की गई, पर यह कार्रवाई गलत तरीके से की गई थी। कई लोग पकड़े गए जिनमें से एक काफी संपन्न परिवार से था। लाहिरी साहब तब आश्चर्य पड़ गए जब उनको उस मामले में गवाही देने के लिए बुलाया गया। निर्धारित दिन,
लाहिरी साहब अदालत पहुँचे। उन्हें काफी आदर के साथ वहाँ बिठाया गया। अभियुक्त पक्ष के वकील उनके पास आए और वारंट दिखाते हुए पूछा, क्या यह आपके हस्ताक्षर है? लाहिरी साहब ने पूरे विश्वास के साथ कहा, जी हाँ। अभियुक्त पक्ष के वकील का अगला सवाल था, फिर तो आपने हस्ताक्षर वारंट पढ़कर ही किए होंगे? इस सवाल ने लाहिरी साहब को गहरे द्वंद्व में फंसा दिया। अदालत खचाखच भरी हुई थी। उनका एक जवाब सरकारी पक्ष को बिल्कुल कमजोर कर देता, भरी अदालत में उन्हें मजाक बना देता, सामने बैठे जज से घुड़की मिलना भी तय था, और इन सबसे बढ़कर उनकी बेइज्जती होती सो अलग, मगर इन सबसे एक झूठ बोलकर बचा जा सकता था। लाहिरी साहब ने जवाब दिया, जी नहीं, वारंट खाली था। वही हुआ जिसका डर था, केस कमजोर पड़ गया। अभियुक्त पक्ष के वकील की आंखों में जीत नाच रही थी। जज साहब के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उन्होंने इस दुनिया से बाहर की कोई बात सुन ली हो, किंतु इन पांच शब्दों के जवाब ने गवाह के किरदार को इतना मजबूत कर दिया था कि बीएन लाहिरी अब लाहिरी साहब बनने की ओर एक और कदम बढ़ा चुके थे। देखा जाए तो इंसान के पास हर समय चुनाव करने की आजादी होती है। लाहिरी साहब की जिंदगी में भी ऐसे तमाम मौके आए जब वे सही और गलत के दोराहे पर खड़े थे, जहां सच को आसानी से बदला जा सकता था, जहां फक्त किरदार की मजबूती और पक्के ईमान के बल पर फैसला लिया जा सकता था, या फिर भीड़ की मानसिकता अपना जा सकती थी। पेज कॉपी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।